आवाम की दुआएं रंग ले आईं। कोयटा और गिर्दोनवा के इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। तवील अरसे बाद होने वाली बर्फबारी के बायस शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कोयटा आने वाले कराची और दीगर शहरों के मेहमान कहते हैं कि इनकी खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं। ये देखें, छोटा सा बच्चा भी इंजॉय कर रहा है। ये इसको बस नीचे उतार दो, ये बर्फ से खेलना है। इसको बर्फ से खेलना है, मुझे नीचे उतार दो मामा, मुझे बर्फ से खेलना है। मैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम देखी है बर्फ, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब ज़्यारत जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह कल। फर्स्ट टाइम हम लोग आए और यहाँ बर्फबारी हुई है, तो ये हमें खुशकिस्मत है कि हमें मिल गई है बर्फबारी। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बर्फबारी से बच्चे सबसे ज्यादा लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इन्हें ठंड की कोई परवाह नहीं, वो तो आज सारा दिन बर्फ में खेल कर गुजारना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा है। हम लोग यहाँ पे खेल हम लोग खेलने आ रहे। बहुत अरसे के बाद बर्फबारी हुई है, हमें बहुत मजा आ रहा है। मुझको यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। अभी हम लोग और इधर खेलना चाह रहे हैं, उसके बाद हम लोग उड़ा किया ज्यारत की तरफ जाएंगे। कोटा में इतने ऐसे बाद बर्फबारी हुई और बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है, हम इस पे जरूर खेलेंगे। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में वादी कोटा और गिर्दोनवा में मजीद बर्फबारी की नवीद मुसरत सुनाई है। मोहम्मद खालिद, आज न्यूज कोटा। पसना करंजो तुर खाल वहने सुशाल दी पसर कने नरे नरे बारांदे नूर दी लगवले ने।